नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना, चटिकला टाइम टीवी न्यूज देख रहे आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के छात्रों के लिए खुशखबरी, कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस हुआ कम, 30% तक सिलेबस किया गया कम। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, बोले किसानों के विरोध के पीछे चीन का षड्यंत्र। अब आम जनता को पुलिस से मिलेगी सहायता, हरियाणा की डायल 112 योजना को जल्द सिरे चढ़ाने के कार्य जारी, 13 अक्टूबर को अफसरों से रिव्यू मीटिंग करेंगे गृहमंत्री। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी है, अब कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस कम कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल नहीं लग पाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, जिसे देखते हुए 30% तक का सिलेबस कम कर दिया गया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर सिलेबस डाला है। अध्यापकों व छात्रों ने सरकार के आदेशों का स्वागत करते हुए कहा है कि अभी तक जो पढ़ाई ऑनलाइन करवाई गई है वह न कटवाई जाए। अध्यापकों का कहना है कि क्योंकि कोरोना के चलते पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, सरकार के इस निर्णय से बच्चों को भी रिलैक्स मिलेगा और वह भी बाकी का सिलेबस अच्छे से कर पाएंगे। मुख्यमंत्री काफी समय से यह घोषित कर रहे थे कि बच्चों का सिलेबस कम किया जाएगा और अब शिक्षा बोर्ड द्वारा यह निर्णय ले लिया गया है और उसे लागू भी कर दिया गया है, जिससे अध्यापकों और बच्चों में खुशी की लहर है। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज भिवानी अपने आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही उन्होंने आढ़तियों से मुलाकात की और फसलों की खरीद की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान संगठनों द्वारा 3 अक्टूबर को देश में चक्का जाम व हाईवे जाम के ऐलान पर कांग्रेस व चीन पर निशाना साधा। उन्होंने बड़ी ही कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी की लोकप्रियता से घबराकर कांग्रेस व चीन मिलकर देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, जब शुरुआत होती है खरीद की, 2-3 दिन व्यवस्था बनाने में लगती है। अब सब कुछ स्टेबलाइज हो चुका है और ऊपर आदेश दे दिए हैं मंडियों में, जो किसान को बुलाने की है उसकी संख्या को डबल करने के लिए बोल दिया है और इस ढंग से किसान को आमंत्रित करेंगे, जिससे कि 30-40 दिन के अंदर खरीद पूरी हो जाए। हमारे पास पूरे प्रदेश का फसल का डाटा है, चाहे वो बाजरे की हो, मूंग की हो, कपास की हो या धान की हो, और धीरे धीरे डायरेक्ट पेमेंट जाएगी। किसान को पहले भी पता है कि भाई इस जो लड़ाई हरियाणा सरकार किसानों के हित के लिए लड़ रही है, पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है और इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है, किसान का फायदा है, क्योंकि किसान को सीधी पैसा मिलेगा, किसान की पूरी फसल खरीदी जाएगी, किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोरोना काल की वजह से हम हर रोज़ एक सीमित संख्या में किसान बुलाते हैं, ताकि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उनका भी पालन हो सके। हरियाणा की डायल 112 योजना को जल्द सिरे चढ़ाने के लिए पुलिस विभाग की अफसरशाही पूरी तरह से जुट गई है। गृह मंत्री अनिल विज 13 अक्टूबर को पंचकुला स्थित 112 मुख्यालय का जायजा लेने के साथ ही अफसरों से रिव्यू मीटिंग करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि 112 योजना शुरू होने के बाद जनता को तुरंत प्रभाव से पुलिस सहायता मिल सकेगी। डायल 112 योजना को जल्द मूर्त रूप में लाने के लिए खुद गृह मंत्री अनिल विज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गत दिनों गृह मंत्री के आदेशों पर सी डेको इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम परियोजनाओं के लिए 152 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर दिया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने 15 हैप्पी सीडर मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इस स्कीम के तहत जिन किसानों के पास हैप्पी सीडर मशीन नहीं है, वो किसान अपने ट्रैक्टर लेकर इसे लेके जा सकते हैं और निःशुल्क इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
इन हैप्पी सीडर मशीन को लेकर जाकर फायदा उठा सकते हैं। हैप्पी सीडर मशीन की मदद से पराली प्रबंधन में किसानों को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ अगली फसल की बिजाई भी किसान इनकी मदद से कर सकते हैं। ये हैप्पी सीडर्स किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे किसान अपना ट्रैक्टर ला करके और उन हैप्पी सीडर्स को साथ ले जा सकता है। ये जो इंसिटू मैनेजमेंट है हमारा पराली प्रबंधन का, उसका एक अच्छा तरीका है। हैप्पी सीडर जो है वो पराली के साथ साथ ही जो अगली फसल है उसकी बिजाई करने में सक्षम है और इसलिए जो खाने हैं उनमें आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोका जा सकता है। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जिन जिन के पास ये एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध नहीं है वो ब्लॉक ऑफिस से आकर के अपना ट्रैक्टर ला करके और हैप्पी सीडर साथ ले जा सकते हैं और पराली को जो है पूरी तरह से पराली के साथ ही ये बिजाई करेगा। किसी भी सूरत में हमें पराली नहीं जलानी है। पराली के साथ साथ जो तरीके इंसिटू और एक्सिटू पराली मैनेजमेंट के वो हमने अपनाने। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में नकदी शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कोई मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। वह यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपचुनाव को शांतिपूर्वक पारदर्शी और सुरक्षित तरीके के संपन्न करवाने के लिए सोनीपत जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रहे थे। लाडवा ब्लॉक के बाबीन कस्बे में गांव बड़तोली में जगमीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़तोली लाया गया। बड़तोली व आसपास के गांवों के सैकड़ों युवा जगमीत सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लाडवा शाहबाद रोड पर एकत्रित हो गए। उसे विशाल काफिले के साथ उनके गांव बड़तोली तक लाया गया। जैसे ही पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा पूरा वातावरण शोक की लहर में डूब गया। जगमीत सिंह की माता कुलविंदर कौर व पिता मक्खन सिंह का कहना है कि उनके बेटे पर उन्हें गर्व है। जगमीत सिंह के पार्थिव शरीर का गांव बड़तोली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया गया है और वह पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं। सामाजिक संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट रीफा के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लगातार 20 दिन कार्यक्रम आयोजित करने का जो संकल्प लिया गया था उसे नीफा द्वारा आज पूरा कर लिया गया है। नीफा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि पिछले 19 रक्तदान शिविर में 1000 से ज्यादा रक्त एकत्रित कर चुके हैं और आज 20वें रक्तदान शिविर में जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि आज कैंप में 100 से ज्यादा रक्त एकत्रित होगा। सुबह से लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं। लोगों के प्यार और आशीर्वाद से यह 20 दिन के कार्यक्रम आज सफल होने जा रहे हैं। आज जो है निफा के जो 20 लगातार कैंप लग रहे थे उसमें अंतिम यानी 20वां कैंप है। निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट जो हमारी संस्था है उसकी स्थापना के 20 साल पिछले 21 सितंबर को पूरे हुए थे। तो हमने 20 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक 20 रक्तदान शिविर लगातार रखे थे और 19 कैंप कल ख़त्म हो गए थे। 19 कैंपों में 1000 से ज़्यादा यूनिट रक्त हम इकट्ठा कर चुके हैं और आज जो 20वां रक्तदान शिविर है इसमें जहाँ तक जो जिस प्रकार लोगों का रुझान है 100 से ज़्यादा जो है आज ब्लड डोनेशन होगी जो हमें नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा लोगों का साथ मिल रहा है। सुबह से लोग आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। पर 20 दिन जब हमने शुरू किया था लोगों को लगा था कि 20 दिन किसी एक संस्था के लिए बड़ा मुश्किल है लगातार रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करना और उनको सक्सेसफुल करना, लेकिन लोगों का प्यार लोगों का साथ सहयोग इतना मिला कि 20 के 20 कैंप जो हैं बहुत अच्छे गए हैं। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए जिन बच्चों का महीने में 3 से 4 बार खून चेंज होता है उनके लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप रखे गए थे और आज 20वां कैंप है जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का असर कलायत नगर पालिका प्रशासन पर नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते रेलवे स्टेशन के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में गंदगी पसरी होने के साथ साथ जगह जगह कचरे के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय में नियमित सफाई के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही बदबू के कारण स्थानीय लोगों का रहना और पास से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सफाई के अभाव में कलायत रेलवे स्टेशन पर बने शौचालय में गंदगी के ढेर अन्य लोगों में पालिका प्रशासन के प्रति रोष है और वार्ड नंबर 13 के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नगर पालिका कलायत की तरफ से वार्ड नंबर 13 में बड़े शौचालय की अनदेखी हो रही है और ये शौचालय जर्जर हालत में है। मीडिया भी आवाज उठाता है और हम भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें अवगत कराते हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं है।
जब पता चलता है तो कहते हैं कि भाई वहाँ की सफाई हो गई, क्योंकि हम तो मौजूद यहाँ रहते हैं, यहाँ के रहने वाले साथियों को, औरतों को, मर्दों को, सबको बड़ी दिखते हैं। आप देख सकते हैं एक ही शौचालय की हालत जो है बड़ी गंभीर है, उसमें बैठने का कोई स्थान ही नहीं है, सारी सीटें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, घास उगी है, ऊपर छत चोरी है, पानी उससे टपकता है, हर तरह से मान लो कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही आ मुझे दिया गया, धन्यवाद।